नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम मिलकर बनाएंगे ये कुंदरू रेसिपी। और ये कुंदरू हमारी अचारी कुंदरू होगी। अचारी कुंदरू खाने में दोस्तों बहुत बढ़िया लगती है, और बढ़िया लगती है खाने में तो बनाने में भी बढ़िया लगती है। और इसको बनाने के लिए आज हमने तैयारी की है, लेकिन हम उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम तो इसे कुंदरू बोलते हैं, आप लोग इसे क्या बोलते हैं हमें मालूम नहीं है, इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताना। और ये देखिए कितनी बढ़िया अचारी कुंदरू बनके तैयार हुई है दोस्तों। ये देखिए हमने ये 1 किलो कुंदरू धो के साफ करके ले लिया है, और इनको थोड़ा सा पानी सुखा लिया है इनका। और ये कुंदरू एक साइज में तो होती नहीं है, छोटी बड़ी भी होती हैं। तो कुंदरू कैसी भी हो लेकिन हमें पकाना एक साथ ही है सारी, तो इसलिए ये देखिए कुंदरू हम कभी हम चाहें तो इन्हें भरुआ भी बना सकते हैं, और हम इन्हें 2 पीस करके भी काट के बना सकते हैं। तो आज हम यही बनाएंगे, इनके 2 पीस करेंगे और इन्हें हम अचारी कुंदरू बनाएंगे। ये देखिए हमने सबसे पहले इनके दोनों तरफ का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट निकाल देते हैं, और इन्हें हम पीस से काट के 2 पीस कर लेते हैं। ये देखिए दोनों साइड से हमने निकाल दिया, और फिर हमने 2 भाग कर लिए। बस इसी तरह से हमें सारी कुंदरू के 2 पीस बना लेने हैं। इसमें आप देखोगे कोई कुंदरू अंदर से थोड़ी सी लाल होती है और कोई बिल्कुल हरी होती है। जो अंदर से थोड़ी सी लाल है उसमें थोड़ा सा खट्टापन भी होता है, इसलिए हमें इसमें ज्यादा अमचूर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और ये देखिए हमने सारी कुंदरू काट के रख लिया है, और अब हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं, गैस को ऑन कर देते हैं। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म होगी हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। ये देखिए हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। इसमें करीब हमने बड़े चम्मच से 1.5 चम्मच ऑयल डाला है। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज्यादा पड़ता है क्योंकि ये हमारी अचारी कुंदरू है। और ये देखिए इसमें जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा हम इसमें 1/4 चम्मच इसमें जीरा डाल देते हैं। ये देखिए 1/4 चम्मच के करीब हमने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा हमारा जैसे ही क्रैक होगा कड़ाही थोड़ा सा हमारी ठंडी थी इसलिए जीरा पकने में हमें टाइम लग रहा है, और जैसे ही हमारा जीरा थोड़ा सा पकेगा ये देखिए इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। कम से कम 1/2 चम्मच, ये देखिए 1/2 चम्मच, ज्यादा हल्दी भी नहीं डालनी है, 1/2 चम्मच के करीब इसमें हमने हल्दी डाल दिया है। और जैसे ही हमारा जीरा पकता है वैसे ही हम हल्दी को भी ऑयल के साथ में ले लेते हैं। ये देखिए हमने ऑयल में हल्दी मिक्स कर ली, और हल्दी हमारी तो तुरंत पक जाती है। और इसमें अब हम सारी कटी हुई कुंदरू डाल देते हैं। ये देखिए अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें, वैसे इसमें ज्यादा नमक नहीं पड़ता है। ये देखिए इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिला लेते हैं। इसमें हमें अभी कोई मसाला नहीं डालना है, अभी हमें इसे सिर्फ
हल्दी, नमक और जीरा डाल के ही पका लेना है। अब इसमें देखिए हमने मिक्स कर लिया है, अब इसको हम ढक्कन या थाली से ढक देते हैं। थोड़ी देर हम इसको ढक के पकने देंगे और हम बीच बीच में इसे देखते भी रहेंगे और आंच को हम मध्यम कर देते हैं, मीडियम आंच रखनी है और बीच बीच में हमें चेक जरूर करना है। और ये हमने लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाया है वो हम अब डाल रहे हैं जब हमारी कुंदरू लगभग पक चुकी है। कुंदरू हमारी पक चुकी है, सिर्फ इसमें अभी हमें क्रंची बनाना इसे बाकी है। और ये हमने जो ये मसाला लिया है, अचारी मसाला है, इसमें हमने सौंफ, धनिया, कलौंजी और मेथी और थोड़ा सा अमचूर, बाकी मसाले हमने भून के लिए ले लिया है, अमचूर इसमें अलग से मिलाया है। और यही मसाला है जो कि हमारी कुंदरू को अचारी कुंदरू बनाता है। ये देखिए ये मसाला डालते ही हमारे कुंदरू की खुशबू इतनी बढ़िया आने लगती है। और ये देखिए अभी तक तो हमने इसे थाली या ढक्कन लगा के पकाया था, लेकिन ये मसाले डालने के बाद इसे हम ढकेंगे नहीं। अब इसे हम चलाते हुए पकाएंगे और कुंदरू तो पक चुकी है, अब सिर्फ हमें इसे इसमें अच्छा सा एक कलर लाना है जो कि हमें ये देखने में भी और खाने में भी क्रंची सी बनती है। ये देखिए हमने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, रेड मिर्ची हम इसमें नहीं डालेंगे, हमने ग्रीन मिर्ची लहसुन के पेस्ट के साथ में डाली है और ये कश्मीरी मिर्च डाली है सिर्फ कलर के लिए। आपके पास यदि कश्मीरी मिर्च है तो डालें, नहीं है तो इसे अवॉइड करें। और ये देखिए इन्हें हम अच्छी तरह से उलटते हुए पकाएंगे जिससे सारी कुंदरू हमारी एक तरह से पके, सारी कुंदरू में क्रंची स्पाइसी टेस्ट आए। और ये देखिए कुंदरू तो हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। गैस को ऑफ कर देते हैं और हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया हमारी कुंदरू बनके तैयार हुई है। आप इन्हें एक हफ्ते तक भी रखोगे तब भी ये खराब होने की नहीं है। आप इन्हें चाहे तो लंच के में या डिनर में कभी भी दाल चावल और फुलका के साथ में सूखी सब्जी के रूप में ले सकते हैं। आप सादे पराठे के साथ ले सकते हैं या लच्छा पराठा के साथ ले सकते हैं। दोस्तों ये खाने में अचारी कुंदरू बहुत बढ़िया होती है, एक बार आप जरूर ट्राई करना। और अब मुझे तो उम्मीद है कि सभी को बहुत पसंद आएगी, लेकिन आपको कैसी लगी आप हमें जरूर शेयर करके बताना। हमें ये अचारी कुंदरू बहुत पसंद रहती है, मैं तो यही चाहूंगी कि एक बार आप जरूर अपने घर में ट्राई करना। कभी आपको बाहर जाना हो तो आप अचारी कुंदरू अपने साथ ले जाएं, सब्जी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।